आज आज से जो जो मैंने लिया था वो वो सारे के 2020 के थे, के थे, ठीक है, और हम कुछ BYQs, कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ठीक है और ऐसे जो जनरली पूछे जाने के चांसेस एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं सो उन सारे एमसीक्यूज पर हम आज से सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दू काफी इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आपको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है आपके जो भी डाउट्स है आपकी जो भी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो उसी के साथ साथ जैसे कि आप सभी को पता है एट ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के दिन आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है इग्नू का थीके? तो उसके लिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो रिसर्च मेथोलॉजी का हमारे पास कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है विद हंड्रेड परसेंट पासिंग गारंटी तो आपको जल्दी से हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करना तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट so, करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डी यू यूनिवर्सिटी के पी एच डी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटल आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है

एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम हंड्रेड मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में लेकर आना ही है तो मैं आपको बता दू हमारे कोर्स के थ्रू आप इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो यानी हंड्रेड में से एटी फाइव टू नाइनटी मार्क्स तक आपको Uh, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको एग्जाम में आ सकता है हमारा ये 90 परसेंट गारंटीड कोर्स है जिसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि थियोरी एमसी की दोनों वीडियो लेक्चर्स है मॉक्टर्स है टोटल टेन मॉक्टर्स है देन उसके बाद नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं एंड फिफ्टीन हंड्रेड प्लस रिविजन एमसी की पीडीएफ और ये जो सारा कोर्स है आपको दोनों लैंग्वेज में देखने मिलेगा हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश तो काफी जैसे कि मैंने आपको कहा नाइनटी हमारा जो कोर्स है वो हमारा जो है टेस्टेबल कोर्स

इन रिसर्च अनुसंधान अनुसूची की परिभाषित किया गया है इस क्वेश्चन में हमें क्या होती है, मतलब आपकी जो अनुसंधान है, आपकी जो शोध, है शोध में अनुसूची की परिभाषा क्या होती है हमें इस क्वेश्चन में पता लगाना है तो so आपको पता होना चाहिए स्केड्यूल ये होता है क्या है पहले तो स्केड्यूल क्या होता है आपके इंटरव्यू की तरह ही होता है जैसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यूज रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं एक्सपर्ट उनके ओपिनियन लेते हैं और उसके बेसिस पर उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं थ्रू इंटरव्यूज सो स्केड्यूल भी इंटरव्यू की तरह होता है रिसर्च यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो बड़े बड़े पर्सनैलिटीज होते हैं उनसे इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं और उनके थ्रू इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं डेटा को जनरेट करते हैं स्केड्यूल so में याद रखिए जैसे इंटरव्यू में रिसर्चर क्वेश्चंस पहले से प्री प्लान नहीं करके जाते हैं लेकिन में क्वेश्चंस होते हैं जो रिसर्चर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे रिस्पोंडेंट से वो सारे क्वेश्चन प्री प्लान होते हैं वो क्वेश्चन सारे प्री प्लान होंगे मतलब पहले से ही रिसर्चर डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अपने रिस्पोंडेंट को ये ये क्वेश्चन पूछूंगा उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पर रिसर्चर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। मतलब पहले से एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में सारे क्वेश्चन होते हैं और उसी क्वेश्चन को रिसर्चर्स और जो इंटरव्यूअर है वो अपने रिस्पॉन्डेंट है जिनसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं सो so यहाँ पर सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो पहले से ही प्री प्लान होते हैं पहले से ही रिसर्चर प्लान कर लेते हैं कि मैं अपने रिस्पोंडेंट को यही क्वेश्चन पूछूंगा अपने इंटरव्यू में सो so उसे कहते हैं हम स्केड्यूल लेकिन याद रखिएगा इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होते हैं वो प्री प्लान नहीं होते पहले से रिसर्चर डिसाइड नहीं करते बल्कि रिसर्चर और रिस्पोंडेंट का जो रिस्पॉन्स आता है उन, उन्हीं की बेसिस पर आगे क्वेश्चंस पूछते हैं so, सो वहां पर रिसर्चर के इंटरव्यू में रिसर्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिसर्चर डिसाइड नहीं करते लेकिन शेड्यूल में रिसर्चर पहले से ही क्वेश्चंस को डिसाइड कर लेते हैं वो अपने रिस्पोंडेंस से कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं सो याद रखिएगा स्केड्यूल स्केड्यूल में रिसर्चर इंटरव्यू ले रहे हैं इंटरव्यू ले रहे हैं मतलब यहाँ पर रिसर्चर डेटा जनरेट कर रहे हैं जब भी रिसर्चर को कुछ डेटा जनरेट करते हैं डेटा जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर इंटरव्यू इंटरव्यू स्केड्यूल भी एक ता, एक का interview ही है और यहाँ पर रिसर्चर डेटा को जनरेट कर रहे हैं डेटा जनरेट कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर रिसर्चर को जो भी डेटा डेटा मिल रहा है वो प्राइमरी डेटा मिल रहा है सो याद रखिएगा स्केड्यूल में जो भी डेटा मिलेगा आपको वो प्राइमरी होगा, तो so, इस क्वेश्चन का आपका राइट right आंसर हो जाएगा डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चन मतलब प्राइमरी डेटा मिलेगा जो भी रिसर्चर क्वेश्चन पूछेंगे अपने रिस्पॉन्डेंट से उनको जो भी डेटा मिलेगा वो प्राइमरी डेटा होगा मतलब यहाँ पर रिसर्चर को न्यू डेटा मिल रहा है तो so, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का जो विकल्प सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं ऑप्शन ए टाइम पीरियड फॉर दी स्टडी नहीं स्केड्यूल टाइम पीरियड नहीं होता है ऑप्शन मतलब ए पर पर इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाएगा उसी तरीके से ऑप्शन बी टाइम पीरियड फॉर डेटा कलेक्शन डेटा कलेक्शन का टाइम पीरियड नहीं होता है मतलब आप कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर, कर रहे हो डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है आंकड़े संग्रह के लिए समय ये भी नहीं होता है आपका स्केड्यूल मतलब अनुसूची ये भी नहीं होती है ये भी आपका ऑप्शन बी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा उस तरीके से ऑप्शन डी डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चन नहीं आप स्केड्यूल से आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो आपके रिस्पॉन्डेंट से आपको जो भी उस टाइम पर डेटा मिलेगा वो प्राइमरी होगा सेकेंडरी नहीं होगा सो so, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी जर्नलिस्ट वॉन्टेड टू रिकॉर्ड दूस ऑफ दीपल ऑन द बजट नियर दर्ट दिंग मेथर्ड दर्नलिस्ट विल यूज इस बजार में समीप एक पत्रकार के संघ के बजट पर लोगों के विचार के रिकॉर्ड करना है पत्रकार कौन सी प्रतिचयन विधि का उपयोग करेगा अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जर्नलिस्ट है जर्नलिस्ट एक मार्केट प्लेस पर गया है और वहां पर लोगों के ओपिनियन ले रहा है जर्नलिस्ट बजट पर सो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो किस सैंपलिंग मेथड का यूज करेगा लोगों के ओपिनियन जानने के लिए मतलब एक बाजार है उस बाजार में पत्रकार को कुछ बजट पर लोगों के विचारों को रिकॉर्ड करना है यहाँ पर जो पत्रकार है वो कौन से प्रतिचयन विधि का उपयोग करेगा हमें इस क्वेश्चन में ये पता लगाना है So, जैसे कि यहाँ पर रिसर्चर मतलब जब जर्नलिस्ट है ये बजट पर लोगों की ओपिनियन ले रहे हैं सो so, बजट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए पहले तो बजट क्या होता है जैसे गवर्नमेंट हर ईयर में एक बजट देती है मतलब कितना पैसे कहाँ स्पेंड होने वाला है कितना पैसे हेल्थ पर स्पेंड होने वाला है लोगों के कितने पैसे एजुकेशन पर स्पेंड करा जाएगा सो so, यहाँ पर बजट में ये सारी चीजें डिसाइड होती है सो so, बजट पर लोगों के क्या ओपिनियन है जैसे हर ईयर हर साल जो है गवर्नमेंट बजट निकालती है सो so यहाँ पर जर्नलिस्ट को ये पता लगाना है कि जो बजट गवर्नमेंट ने निकाला है उस पर लोगों की क्या राय है उनके क्या विचार है उनके क्या ओपिनियन है कि वो बजट सही है या फिर नहीं सही है उनके हिसाब से उनकी ओपिनियन जान रहे हैं उनके विचारों को जान रहे हैं यहाँ पर जर्नलिस्ट सो so, याद रखिएगा जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं अपनी सुविधा के हिसाब से उन्होंने मार्केट प्लेस पर गए हैं जर्नलिस्ट अपनी सुविधा के हिसाब से वो मार्केट प्लेस पर गए हैं और वहां पर लोगों से बजट के ओपिनियन ले रहे हैं तो so पर अपनी सुविधा के हिसाब से वो मार्केट में गए हैं और वहां पर लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं तो अपनी सुविधा के हिसाब से जा रहे हैं जर्नलिस्ट मतलब यहाँ पर जो तो जर्नलिस्ट है ये कन्वीनियंस सैंपलिंग का यूज करेंगे सो so याद रखिएगा कन्वीनियंस सैंपलिंग जैसे हम कहते हैं सुविधाजनक प्रतिचयन और कन्वीनियंस को हम और

जो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जर्नलिस्ट को तो कोई दूसरे पर्सन से जर्नलिस्ट रिस्पॉन्स लेंगे अगर इसने नहीं दिया तो किसी और पर्सन से और जर्नलिस्ट रिस्पॉन्स देंगे मतलब यहाँ पर एक एक्सीडेंट की तरह मतलब डायरेक्टली जाकर लोगों से ओपिनियन ले रहे यहाँ पर रिसर्चर ने नहीं डिसाइड किया था पहले से कि मैं इस पर्सन को लूंगा रिसर्चर को तो पता ही नहीं कि मार्केट में कौन से लोग है वो तो डायरेक्टली जा रहे हैं और लोगों से उनका ओपिनियन ले रहे हैं सो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है तो वो इस स्टडी को करने के लिए मतलब बजट पर लोगों के लेने के लेने लिए कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैंपलिंग इस सैम्पलिंग मेथड का यूज करेंगे इस प्रतिचयन विधि का उपयोग करेंगे सो so, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा अब जो इनकरेक्ट uh, ऑप्शन है जो गलत विकल्प है उन्हें भी हम एक बारी देख लेते हैं जैसे रैंडम सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है रैंडमली किसी भी लोग को चुन लेते हो तो सो so, यहाँ पर रिसर्चर को पता नहीं कि कौन से लोग रिस्पांस करेंगे कौन से लोग रिस्पांस नहीं करेंगे सो रिसर्चर यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग का उपयोग नहीं कर सकते मतलब याद रखिए का उपयोग नहीं कर सकते ऑप्शन बी नॉन नॉन रैंडम रैंडम सैम्पलिंग सैम्पलिंग पर रिसर्चर रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट नहीं करते मतलब जहाँ पर रिसर्चर जजमेंट नहीं लगा सकते कि मुझे इस पर्सन से ही इन्फॉर्मेशन मिल सकती मुझे इस पर्सन से इन्फॉर्मेशन मिल सकते ऐसा नहीं कर सकते रिसर्चर सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो रिसर्चर है

स्केल पर मापा जाता है इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है कि सोशल स्टेटस है रिस्पोंडेंट का आप सोशल स्टेटस मेजर कर रहे हो सब किस स्केल से रिस्पोंडेंट का सोशल स्टेटस मेजर करोगे मतलब कि जो प्रतिवादी है उनका सामाजिक प्रतिष्ठा को अगर आप माप रहे हो तो आप किस स्केल से इनके uh, सामाजिक प्रतिष्ठा को मापोगे सो याद रखिए आपके जो स्केल ऑफ मेजरमेंट से उनके फोर टाइप्स होते हैं और इन चारों टाइप को हम कुछ इस स्केल ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं है, और उसी तरीके से नोट्स जो है हमारे बैच के जो स्टूडेंट्स मैं उन्हें कहूंगी कि अपने वो नोट्स को एक बार अच्छी तरीके से रीड कर ले तो उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा लेवल ऑफ मेजरमेंट्स क्या है उनके इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे क्योंकि नोट्स में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है इस टॉपिक को तो so, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जैसे लेवल ऑफ मेजरमेंट्स के फोर टाइप्स होते हैं नॉमिनल ऑर्जिनल इंटरवल एंड रेशो सो नॉमिनल स्केटा होता है आप उसको so, के बेसिस पर उसके कैटेगराइज करते हो उसी तरीके से ऑर्डिनल में आप सेम करते हो लेकिन ऑर्डिनल में आपके पास जो भी डेटा होता उसको हो, हो, भी डेटा है उसको आप रैंक देते, देते हो ऑर्डर देते हो इंटरवल में सेम आप ऑर्डिनल की तरह करते हो लेकिन इंटरवल में आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको एक इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करते हो और याद रखिएगा इंटरवल में आपका जो जीरो होता है ये आर्बिट्री होता है उसी तरीके से रेशो में इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे एंड रेशो में आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा सो so, आपको पता करना है इस क्वेश्चन में कि जब रिस्पोंडेंट uh, है मतलब आप जैसे डाटा कलेक्ट कर रहे हो उनका आपको सोशल स्टेटस को मेजर करना है उनके तो आप कौन से स्केल का यूज करोगे ये फाइंड आउट करना है हमें इस क्वेश्चन में सो सोशल स्टेटस क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए सोशल so, स्टेटस मतलब आपकी सोसाइटी में क्या स्टेटस है आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हो जैसे सोशल स्टेटस को क्लासेस में डिवाइड करा गया है मिडिल क्लास क्लास लोअर हाई क्लास ओके पहले हाई क्लास मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास तो यहाँ पर uh, ऐसे लोगों ने स्टेटस uh, बताया है सोशल स्टेटस तो सोशल स्टेटस है तो सोशल स्टेटस को आप कहोगे कोई पर्सन हायर क्लास से बिलोंग करता है कोई मिडिल क्लास से और कोई लोअर क्लास से लेकिन आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते हो मतलब आप किसी का एक रैंक नहीं दे सकते हो कि जो हायर क्लास के लोग है वो ज्यादा अच्छे हो गए लोअर क्लास के लोग से ऐसा नहीं कहोगे आप लोअर क्लास के लोग कम अच्छे होंगे मिडिल क्लास के लोगों से आप ऐसा नहीं कह सकते हो यहाँ पर लेकिन आप क्या करोगे आपके पास जो भी डेटा है उसके बेसिस पर आपने कैटेगराइज कर लिया उनको मतलब आपने तीन कैटेगरी में बांट दिया हायर क्लास लोअर क्लास मिडिल क्लास मतलब यहाँ पर आपके पास क्लासेस है आपका जो स्टेटस है सोशल स्टेटस है रिस्पोंडेंट का आप किससे मेजर करोगे आप नॉमिनल स्केल से क्योंकि आप यहाँ पर ऑर्डर नहीं दे सकते हो मतलब उनको रैंक नहीं दे सकते आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा अच्छा है किससे कौन से मिडिल क्लास के लोग ज्यादा अच्छा

सो so, रिस्पॉन्डेंट uh, है जिससे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं अगर उनका आपको सोशल स्टेटस मेजर करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल स्केल का यूज करेंगे मतलब नाम मात्र स्केल का यूज करेंगे और जो आपके जो प्रतिवादी है उनके सामाजिक प्रतिष्ठा को नापने के लिए उनको uh, किस स्केल से आप नापोगे उनका आ, uh, मात, स्केल ना, से उनका जो सामाजिक

सो मेजरमेंट मेजरमेंट क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए मेजरमेंट क्या होता है जैसे आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो कोई अननोन चीज अन याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन होगी मेजरमेंट की कोई अननोन चीज है उसको आप मेजर करोगे कोई अननोन चीज है कोई अननोन थिंग है उसको आप मेजर करो जिसका आपका आइडिया नहीं है कि उसका वेट क्या हो सकता है सो so, उसे हम कहते हैं मेजरमेंट अब जैसे एवरीडे लाइफ में भी आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो कुछ आप खरीद रहे हो मेजरमेंट के बेसिस पर सो so, आप क्या करोगे उस चीज को मेजर कर रहे हो आप सो so, मेजर करोगे तो आपको क्या मिलेगा जो भी आपको आंसर मिलेगा जो भी आपको नंबर जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा आंसर मिलेगा वो नंबर्स के फॉर्म में मिलेगा सो so, याद रखिए मेजरमेंट क्या होता है अनोन चीजों को जिसका हमें कुछ आइडिया नहीं होता है उन चीजों को मेजर करने को हम कहते हैं मेजरमेंट और मेजरमेंट में आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलता है आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो जो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो नंबर्स के फॉर्म में मिलेगा बेसिकली आपको क्वांटिटी मिलती है सो याद रखिएगा मेजरमेंट में आप अनों को मेजर करते हैं और आपको नंबर्स के फॉर्म में में मिलता है उसी तरीके से मेजरमेंट ज्यादातर फिजिक्स अप्लाई किया जाता है जिसमें आप चीजों को मेजर करते हो उसी तरीके से आप कोई भी चीज को मेजर कर रहे हो आप कोई शॉप से कोई चीजों को खरीद रहे हो तो आप मेजर करते हो तो जब कोई चीज को मेजर कर रहे हो तो आप क्या करोगे उसकी रीडिंग को ऑब्जर्व करोगे जो भी रीडिंग आ रही है उसको आप ऑब्जर्व करोगे ऑब्जर्व के साथ साथ आप उसको रिकॉर्ड भी करोगे अब जैसे कोई आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो फिजिक्स में मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर तो आप आ, कोई रीडिंग ले रहे हो आप उस चीजों को मेजर कर रहे हो सो आप क्या करोगे ऑब्जर्व करोगे पहले जो भी रीडिंग आ रही है जो भी आपका वेट आ रहा है उसको आप पहले ऑब्जर्व करोगे और फिर आप उस रिकॉर्ड करोगे जो भी आपको रीडिंग आ रही है उसके बाद उसको आप रिकॉर्ड करोगे तो मेजरमेंट किस चीज का प्रोसेस होता है ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग मतलब आप जो भी चीज को मेजर कर रहे हो जिस भी चीज को आप नाप रहे हो उसको पहले आप उसको ऑब्जर्व करते हो मतलब उसका अवलोकन करते हो एंड फिर उसको रिकॉर्ड करते हो सो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग सो इस क्वेश्चन का आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट उट करना दिए गए ऑप्शन में से दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो की सही है अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो सही कह रहा है अबाउट असंभवता नमूनाकरण जिसे हम प्रतिचयन भी कहते हैं तो so, याद रखिएगा आप जब भी सैंपलिंग मेथड परफॉर्म करते हो जब भी सैंपलिंग चुनते हो मतलब आप जब भी नमूनों को चुनते हो तो आप दो तरीके से आपके नमूनों को चुनेंगे मतलब आपके जो सैंपल्स हैं, उनको दो वे से चूज करते हो फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग

जजमेंट कन्वीनियंस के बेसिस पर मतलब नॉन रैंडम वे से सिलेक्ट करते हैं मतलब गैर यादरचक ढंग से सिलेक्ट करते हैं रिसर्च और पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सो so, इस क्वेश्चन में मैं पूछ रहा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में से दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट है और कौन सा स्टेटमेंट सही कह रहा है अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सो एक एक कर कर हम सारे विकल्प देख लेंगे सारे ऑप्शन देख लेंगे ऑप्शन ए ईच आइटम ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बींग इंक्लूडेड इन दैंपल नहीं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आप क्या कर रहे हो नॉन रैंडम वे से नॉन रैंडम वे से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुन रहे हैं मतलब आप आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कहोगे कि इस मेंबर से मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो मैं इसी मेंबर को लूंगा ये दूसरा मेंबर सिलेक्ट नहीं हो सकता है उस केस में सो so, हर एक मेंबर्स का चांस नहीं होता है पॉपुलेशन में से जो हर एक आपका आइटम होता है हर एक मेंबर का चांस ही नहीं होता है कभी-कभी सेलेक्ट -कभी होने का So, यहाँ पर जो आपका है आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से रिलेटेड है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से रिलेटेड नहीं है उसी तरीके से ऑप्शन बी आइटम्स ऑफ सैंपल्स आर डेलिबरेटलीवली सिलेक्टेड द रिसर्चर सो यहाँ पर क्या हो रहा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में रिसर्चर जो है डेलिबरेटली सैंपल्स को चूज कर रहे हैं ऐसा ना ही प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में होता है ना ही नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में रिसर्चर डेलिब्रेटली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को मतलब अपने सैंपल्स को चुन नहीं सकते हैं मतलब डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर जानबूझकर जो आपके शोध करता है शोध करता आपके अपने नमूनों को नहीं चुनते हैं क्योंकि अगर वो जान बुझ कर करेंगे तो उनको इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेंगे सो so, जो मेंबर नहीं आना चाहता है सैंपल में उसको नहीं लेंगे रिसर्चर तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका टोटली totally इनकरेक्ट है उसी तरीके से ऑप्शन सी आर नॉन रैंडम सिलेक्टेड बाय द रिसर्चर यस यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है जो विकल्प सी है ये सही हो जाएगा नमूनों की इकाई को गैर यादर ढंग से शोधकर्ता के द्वारा चुना जाता है मतलब यहाँ पर जो आपके शोधकर्ता है जो रिसर्चर है पॉपुलेशन में से मेंबर्स को नॉन रैंडम वे से मतलब अपने कन्वीनियंट जजमेंट और पर्पज के हिसाब से रिसर्चर को लगेगा अगर मुझे इस पर्सन से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो मैं इस पर्सन को लूंगा मुझे इस पर्सन से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो मैं इस पर्सन को लूंगा इस तरीके से रिसर्च और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में अपने नमूनों को चुनते हैं सो so, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट एम्पैरिकल रिसर्च रिलायंस अनुभविक शोध किस पर निर्भर करता है इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपकी जो एम्पायरिकल रिसर्च है मतलब जो आपकी अनुभविक शोध है ये किस चीज पर निर्भर होनी चाहिए किस चीज पर रिलाय करनी चाहिए सो याद रखेगा आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एम्पायरिकल रिसर्च मतलब आपकी अनुभविक शोध होती क्या है एम्पेरिकल so, रिसर्च क्या होती है एम्पेरिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जो आपके और पर ऐसे रिसर्च आप हो होती है आप किसी की कही सुनी बातों पर आप किसी ने कुछ बोला है आप उस पर रिसर्च कर लो आप ऐसा नहीं करते बल्कि आप एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर, कर देखते हो आप, आपके ऑब्जर्वेशन आपके एक्सपीरियंस पर रिसर्च बेस्ड होती है आप ये देखते हो कि रियालिटी में वो चीज एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है सो so, अनुभविक रिसर्च जो आपके अनुभव आपके एक्सपीरियंस आपके ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है उससे हम कहते हैं आपकी एक्सपेरिमेंटल सॉरी एम्पायरिकल रिसर्च जिसे हम अनुभविक शोध कहते हैं शोध जो होती है आपके उसमें आप जो डेटा कलेक्ट करते हो वो आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप डेटा कलेक्ट करोगे सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रश्न ए प्रयोग का माध्यम से संग्रत आंकड़े ऐसे आंकड़े जो आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू आप कलेक्ट कर रहे हो उससे हम कहते हैं so research, आपके ऐसा डेटा कलेक्ट करोगे आप जो आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो सो so यहाँ पर आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा देन ऑप्शन जो रिमेनिंग ऑप्शन से जो इनकरेक्ट है हम वो भी एक बार ही देख लेते हैं ऑप्शन बी डेटा कलेक्टेड थ्रू पब्लिश सोर्सेस पब्लिक सोर्सेस मतलब जो पहले से ही डेटा पब्लिश हुआ है आप पहले से ही डेटा पब्लिश है तो आप एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन क्यों परफॉर्म करोगे सो पर जो आपका ऑप्शन बी है जो आपका यहाँ पर विकल्प बी है ये भी गलत हो जाएगा प्रकाशित सत्रों से संग्रहित आंकड़े ये भी नहीं होगा आपका आंसर देन ऑप्शन सी बोथ डेटा कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड डेटा कलेक्टेड थ्रू पब्लिश सोर्सेस मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए और बी आपको गिवेन है ऑप्शन सी में तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट uh, हो जाएगा बिकॉज ऑप्शन बी तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा अगर सिर्फ ऑप्शन ए दिया होता ओनली ऑप्शन है तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होता है लेकिन यहाँ पर बोथ दिया है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा बिकॉज आपका जो एम्पेरिकल रिसर्च में आपका जो भी डेटा होता है वो पब्लिश सोर्सेज के थ्रू आप डेटा नहीं कलेक्ट करते हो देन ऑप्शन डी डेटा कलेक्टेड फ्रॉम स्टडिंग थ्योरीज आप थ्योरीज को स्टडी करके डेटा कलेक्ट नहीं करते करतेल रिसर्च में बिकॉज आपके ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस पर बेस्ड आप डेटा कलेक्ट करते हैं आपके रिसर्च में सो so, पर जो आपका ऑप्शन बी है ये भी गलत हो जाएगा सो एम्पायरिकल रिसर्च में आपका जो भी डेटा होता है आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हो वो आप आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड डेटा कलेक्ट करते हो सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट रिसर्च इज अ पर्स ऑफ ट्रस्ट अध्ययन अनुसंधान अवलोकन तुलना और प्रयोग की मदद से विश्वास की खोज है किसी समस्या के समाधान खोजने के उद्देश्य और व्यवस्थित तरीके से ज्ञान की खोज द्वारा परिभाषित सो so, इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है हमें पता लगाना है कि ये डेफिनेशन किस साइंटिस्ट की डेफिनेशन है किस साइंटिस्ट ने इस डेफिनेशन को लिखा था जैसे कि इस डेफिनेशन में हमें बता रहा है रिसर्च जो है रिसर्च एक ट्रस्टवर्दी स्टडी है और ट्रस्ट वर्दी स्टडी को हेल्प करने के लिए हम ट्रस्ट वर्दी स्टडी करने के लिए रिसर्च बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि रिसर्च जो होती है आपकी ट्रस्ट पर बेस्ड होती है उसी तरीके से आप यहाँ पर चीजों को ऑब्जर्व करते हो ऑब्जर्वेशन कंपैरिजन जैसे हम चरों को ऑब्जर्व करते हैं वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके चीजों को टेस्ट करते हैं और नॉलेज को सर्च करते हैं नई नई नॉलेज फाइंड आउट करते हैं नॉलेज को रिसर्च अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए नॉलेज गेन करते हैं अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं और यहाँ पर सिस्टमेटिक मेथड से सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं मतलब एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट किसी भी समस्या को हल निकालने के लिए किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए प्रॉपर स्टेप स्टेप बाय हम मेथड्स परफॉर्म करते हैं अपनी रिसर्च में सो so, ये सारी रिसर्च की डेफिनेशन रिसर्च की डेफिनेशन जिसमें रिसर्च के सारे इंपॉर्टेंट बातें जो जो हम रिसर्च में परफॉर्म करते हैं सो so, ये साइंटिस्ट ने इस डेफिनेशन में लिखा है सो so, इस डेफिनेशन को आ, कोठारी इस साइंटिस्ट ने लिखा है तो ये साइंटिस्ट इंडियन साइंटिस्ट है इस डेफिनेशन को इन्होंने 2006 में लिखा था आपको याद रखना है 2006 में कोठारी नहीं है रिसर्च की डेफिनेशन लिखी थी बहुत फेमस साइंटिस्ट है इंडियन साइंटिस्ट है सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस आपको आते ही है एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के इस डेफिनेशन को किस साइंटिस्ट ने कहा था सो so, याद रखेगा इस डेफिनेशन इस डेफिनेशन को 2006 में कोठारी इस साइंटिस्ट ने कहा था और ये इंडियन साइंटिस्ट है सो so, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गुड लक विथ यीपे एंड सी यू टूमोर विद अनदर वीडियो